तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ऐसा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है जगन्नाथपुर मेला जो कि लगता है बड़कागढ़ में, और वहाँ पर आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से मेला लगने वाला है। और ये मेला रांची में लगता है जो कि 7 दिनों के लिए लगता है, तो 7 तारीख से 17 तारीख तक है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं मेला में, बड़कागढ़ के मेला में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और अभी इसके अंदर जाते ही हम लोग पार्किंग करेंगे, पार्किंग का 40 रुपया ले रहा है। दोस्तों ये ले लिया है हमने यहाँ से। तो दोस्तों ये है भव्य रथ जिसमें विराजमान होकर के श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा आए हैं, और मौसीबाड़ी में ये 7 दिनों के लिए रुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सुंदर से रथ को सजाया गया है और बहुत ही बारीकी से पेंटिंग किया गया है। और पता चला है कि ओडिशा के कलाकार यहाँ पर आकर के रथ का कलाकारी किए हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये है मौसीबाड़ी जहाँ पर 7 दिनों के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रुकी हुई हैं, और फिर 7 दिनों के बाद घुरथी रथ यात्रा लगेगी, तब ये सभी चले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है क्राफ्ट बाजार, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के लेकर के सजने से लेकर के खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ें आप लोगों को पूजा पाठ जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ आ करके आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा भी मिल रहा है, और कंघी, बाल झाड़ने के लिए, पूजा करने के लिए शंख और घंटी, ये सभी सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग आ करके ले सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर से बता दूँ कि ये मेला 7 तारीख से 17 तारीख तक ही है, और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी आइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हैंडबैग्स भी मिल रहा है जो कि काफ़ी कम दामों में मिल रहा है।
₹30 एक जन। हाँ एक तो दोस्तों रथ मेला में सब कुछ मिलता है, आप सभी को आप लोग देख सकते हैं। ये है मछली पकड़ने के लिए जाल, जो कि आप लोगों को कहीं और मेला में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथपुर मेला में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी प्रकार के लोहा के चीज़ें होते हैं, जैसे बैठीन और चाकू, तो ये है बड़कागढ़ का मेन मंदिर जहाँ पर जगन्नाथ भगवान जी रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो दोस्तों लास्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गया था बस जगन्नाथ मेला परिसर में, और वीडियो नहीं बन पाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।